नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां से आज दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की ओर से निजीकरण को लेकर, जी हां निजीकरण को, जिसको लेकर पिछले दो दिनों से जो हड़ताल चल रही थी देशव्यापी, जिसमें लगभग 24 करोड़ जो रोजगार करते हैं, जो लोग, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो बैंकों के हों, चाहे वो मेडिकल स्टाफ्स हों, वो सभी लोग सड़कों पर थे। उन्होंने लगातार सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की और आज जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हैं और वो, क्योंकि अब एजुकेशन में भी निजीकरण को धीरे से घुसाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ आज यहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त लक्ष्मण यादव जी मौजूद हैं, जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और साथ ही एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आज जिस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो ब्रीफली पहले तो आप वो मुद्दा एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए, आपने अपने इंट्रो में जो बात कही ना कि पूरे देश में जितने भी सरकारी संस्थान थे उनको बेचा जा रहा है और सरकारी नौकरियां लगातार ख़त्म की जा रही हैं, तो वो पॉलिसी एक मंशा का प्रतीक है। यानी मंशा ही हो गई है कि सरकारी नौकरी को कम किया जाए, नौकरी पर जोर कम दिया जाए और सबको ठेके का मजदूर बना दिया जाए। उसी पेशे की तरह शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी बनाने की एक कड़ी इसमें मिलती है। वो एक श्रृंखला है। मजदूरों के सवाल को, किसानों के सवाल को शिक्षकों के सवाल से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो ये एक ब्रॉडर पॉलिसी मेकिंग जो राइट विंग पॉलिटिक्स की है, उसी का एक हिस्सा है। तो उसमें हो क्या रहा है कि आज जो यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम सारे लोग एक मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं कि सन 2000 के पहले इसी दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ अगर 5000 शिक्षक थे तो 5000 में 500 मुश्किल से ऐसे शिक्षक हुआ करते थे जो एडहॉक पर थे। एडहॉक का मतलब ये होता है कि अगर कोई टीचर रिटायर हो गया या कोई छुट्टी पर चला गया या कोई नई वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो मतलब एक काम चलाऊँ व्यवस्था की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय ने एडहॉक टीचर को रखना शुरू किया कि 4 महीने के लिए रखा जाएगा। 2007 के रेगुलेशन में उसके लिए बनाया कि ये जो काम चलाऊँ व्यवस्था है ये अधिकतम 4 महीने के लिए होगी और इसके बाद आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट करना होगा। लेकिन उस काम चलाऊँ व्यवस्था को धीरे धीरे दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्थायी व्यवस्था बना दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज 2022 में कुल 10,000 अगर शिक्षक अनुमानित रूप से होंगे तो उसमें से 6,000 शिक्षक तो एडहॉक होंगे। जैसे मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी और मेरे ज़्यादातर प्रोफेसर एडहॉक ही थे। उनका ये रोना था कि अब हम ज़्यादातर आपका सिलेबस भी पूरा नहीं करवा पाएंगे। तो सर, इस एक मुद्दे के साथ एक और मुद्दा है जो इस वक्त देश में लगातार उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने आज हर तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की है, महंगाई का मुद्दा। और महंगाई पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भरोसा दिलाया था बीजेपी पर कि अगर महंगाई को हटाना है तो बीजेपी को सत्ता में लाना है, बाबा रामदेव ने, उन्होंने कहा था अगर 30-40 रुपए प्रति लीटर आपको पेट्रोल चाहिए तो बीजेपी को जिताइए। और अब जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उनके जवाब कैसे कैसे आ रहे हैं। बाबा रामदेव का छोड़िए, जिस मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे हैं ना, इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पहले स्मृति ईरानी थी, उन्होंने कहा कि हम इन सारे टीचरों को पक्का कर देंगे। फिर प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने संसद में बयान दिया कि 1 साल के भीतर इन सारे सीटों पर परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जब बने उन्होंने कहा परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अभी जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं तो उन्होंने कहा परमानेंट कर देंगे। तो ये वादे से मुकरने वाले लोग हैं। और आज भी अब ये जो नई शिक्षा नीति आ गई है ना, इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि 40% ऑनलाइन मोड होगा, क्रेडिट सिस्टम होगा, वर्कलोड घटेगा। तो कहीं ना कहीं से बैकडोर से ऐसा लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे थे कि हम लोग को परमानेंट करो, पीछे से कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नौकरी खत्म कर दी जाए। तो न रहेगी नौकरी ना आप उसके परमानेंट मांगेंगे। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, उसी में ये DU के टीचर्स कह रहे हैं कि आप वन टाइम रेगुलेशन करके, मैं जैसे 12 साल से एडहॉक पढ़ा रहा हूँ, तो भाई आप एक बार परमानेंट कर दो। देश के कई राज्यों में ये किया जा चुका है, वह परमानेंट कर सकते हैं, मंशा होनी चाहिए। अब उसी से जोड़ लीजिए वादा खिलाफी जुमले को बोलना, उसके बाद पलट जाना, वही महंगाई के सवाल में भी हो रहा है। तो एक बड़ा एजेंडा था जिसमें 2014 के पहले इस देश को मूर्ख बनाया गया। और मैं तो कहता हूँ कि बनाने वाला दोषी नहीं है, उससे ज़्यादा दोषी तो बनने वाले लोग हैं। किस बात पर आपने वोट दिया था? आपने वोट दिया कि भाई अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल का रेट कम करेंगे, रुपए की गिरती कीमत प्रधानमंत्री की गिरती हुई छवि से है, हम रुपए की कीमत मजबूत करेंगे, भारत का डंका पूरे दुनिया में गूंजेगा, हम महंगाई कम करेंगे, हम सबको 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख अकाउंट में पैसा देंगे। कितने जुमले थे।
वो पूरे नहीं हुए, 5 साल बाद इसी सरकार को फिर लोगों ने चुन दिया। अलग बात है कि उसमें पुलवामा भी हुआ, अलग बात है कि उसमें ईवीएम पर भी दोष होता रहता है, भरोसा तो ईवीएम पर नहीं है। ओवरऑल एक ऐसा इस समय माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ भी बोलो, एक एक माइंडसेट बन गया है सांप्रदायिकता का, एक माइंडसेट बन गया है छद्म राष्ट्रवाद और छद्म धर्मवाद का। उसके आगे किसी को महंगाई दिख रही है क्या? ये पेट्रोल डीजल की बात करने वाले, साइकिल से संसद जाने वाले सारे लोगों को अब आखिरी बात ये समझिए कि तर्क बदल गया। जब तक ये लोग विपक्ष में थे तब तक कहते थे कि सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो सकता है, हमें सरकार में बना दिए, 100 दिन में काला धन लाएंगे, वैसे ही 100 दिन में महंगाई घटा देंगे। अब उस महंगाई के पक्ष में तर्क करते हैं कि भाई देश का विकास हो रहा है तो पैसा चाहिए। अच्छा, तुमको ये बात पहले नहीं पता थी कि कांग्रेस को भी तो देश का विकास करना था, उसको पैसा चाहिए था, तब तुम कहते थे कि नहीं कांग्रेस लूट रही है इसलिए महंगाई है, अब आप क्यों नहीं लूट रहे हो? अच्छा, विकास हो रहा है तो कौन सा ऐसा विकास है जो आपकी सरकार के पहले नहीं हुआ था? सड़कें क्या पहले नहीं बनी थी? फ्लाईओवर नहीं बने थे? ब्रिज नहीं बने थे? कौन सा जो राशन दे रहे हो आप वो पहले नहीं दिया गया था? फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हो चुका है, मनरेगा से लोगों को पैसा दिया जा रहा था, सारे काम वो कर रहे हो जो पहले भी हो रहे थे। इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि विकास के लिए पैसा चाहिए। तो यही बात पहले भाषण में बोलते कि देखो भाई हमें विकास करना है, एक जेब से आपके पैसा लेंगे और दूसरे जेब से विकास देंगे। अच्छा, अब आखिरी बात, विकास के नाम पर सड़कें, पुल, बिल्डिंगें, इमारत, और पैसा किससे ले जा रहा है? गरीब कमजोर आदमी से। उस कमजोर आदमी को क्या मिल रहा है? आपके उस पूरे महंगाई में अपने उज्ज्वला के नाम पर वोट लिया और उसकी सब्सिडी खत्म कर दी, वो गैस सिलेंडर नहीं भराए जा रहे, लोगों को रोजगार मिला नहीं, लोगों की शिक्षा चौपट हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या हुआ वो कोविड में देखा। अल्टीमेटली मैं जिस बात से चिंतित हूँ ना, वो बात ये है कि हम देखिए विश्वविद्यालयों में पढ़ते पढ़ाने का काम करते हैं, हमें ये पता है कि जब भाषा गिर जाए ये बड़ी बात नहीं होती, भाषा तो गिरती रहती है, पहले भी लोग घटिया भाषा का इस्तेमाल करें, तर्क का स्तर गिर गया है, लोग सोच नहीं पा रहे। सवाल वही था मेरा कि जब बाबा रामदेव से 2-3 बार एक ही सवाल पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि जब बीजेपी आएगी तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, नहीं क्या हुआ उस बात का? तो वो झल्ला गए और झल्ला के कहते हाँ कहा था, क्या कर लेगा। अरे बाबा रामदेव की बात क्या ही की जाए, बाबा रामदेव अब पुरानी किस्सों को याद करने का भी कोई फर्क नहीं है। हालांकि आपके जैसे चैनल पे लोग इस बात को उठाते हैं, लोग देखते भी हैं, लाखों लाख लोग, तो मैं उन्हीं लोगों के भरोसे एक बात याद दिला देता हूँ। काला धन के लिए आंदोलन किए 2014 के पहले, अन्ना आंदोलन का हिस्सा रहे 2014 के पहले, इनको देश की चिंता थी पेट्रोल डीजल की कि 35 रुपया वाले सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए, सारे बयान इनके। पेरियार को गाली देने वाला कौन है? अन्ना हजारे। जो बहुजन आंदोलन है उसके खिलाफ खड़ा होने वाला कौन है? अन्ना, ये बाबा रामदेव। इन सारे लोगों ने एक बड़े एजेंडे के तहत काम किया और वो एजेंडा था RSS और BJP को सत्ता में ले आना। वो एजेंडा पूरा हो गया तो ये क्यों बात करेंगे? इसके बाद इनका देखिए 1100 गुना तो टर्नओवर बढ़ गया, तो जो इनका मकसद था वो पूरा हो गया। जनता नादान थी, वो थाली ताली बजाए। ये जो कोविड में थाली ताली बजवाई गई और दिवाली मनाई गई, वो दरअसल एक लिटमस टेस्ट था कि इस देश में कितने मूर्ख हैं, और मूर्खता को जब देख लिया कि इतने मूर्ख हैं तो देश में राज करो। मैं जनता को मूर्ख कह रहा हूँ पूरे गंभीरता से, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। बाबा रामदेव की संपत्ति कई गुना बढ़ गई एक साल में, कोविड में जब 12 करोड़ रोजगार खत्म हुए, 256 गुना संपत्ति बढ़ गई अडानी की। ये कौन सा आर्थिक मॉडल है जिसमें सारी पूंजी से मुनाफा उसी दौर में कुछ लोग कमा रहे हैं जिस दौर में देश लूट रहा है, आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, आपके बेटे बेटी को नौकरी नहीं मिल रही, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और ये बाबा रामदेव जैसे, बाबा रामदेव को बाबा भी नहीं कहना चाहिए, वो एक व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया है, जैसे अंबानी अडानी ने प्रधानमंत्री बनवाया तो उनको मुनाफा मिला, वैसे बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री बनवाया उनको मुनाफा मिला, तो उनको गाड़ी में पेट्रोल की चिंता क्या है? जो बात आपने कही कि उनको बाबा नहीं करना कहना चाहिए, उनके वीडियो में जो भाषा है उसको देखकर तो शायद नहीं कहना चाहिए। अरे अब इस देश में प्रधानमंत्री की भाषा के स्तर को आप क्या कहेंगे? और मेरे अपने राज्य जहाँ दोबारा राम राज्य आ गया, वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी भाषा को क्या कहेंगे? गर्मी शांत कर दूंगा, इसको शिमला बना देता हूँ, और 80-20 की बात करना, बुलडोजर जैसी बात के फिर चुनाव जीत गए, वो खुलेआम नफरत पर चुनाव जीत गए। इस देश को जिस दिशा में जा रहा है यह देश ना, इस देश में बाकी लोगों को सोचना होगा। तर्क आप ढूंढ लीजिए कि राष्ट्र मजबूत हो रहा, अरे भाई राष्ट्र कमजोर कब था?
पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दे दो, दो दो जवाब, चाइना कितना जमीन कब्जा कर लिया ये राष्ट्रवादी लोग बोलते नहीं, एक फिल्म बनाकर नफरत फैला रहे हो। अच्छा कश्मीर से भागे थे वो हिंदू थे कि पंडित थे, मेरा बात का जवाब दे दो। अगर वो हिंदू थे तो पंडित क्यों कहा तुमने, 30 साल तक उनको कश्मीरी पंडित क्यों कहा? अगर इस बात पर जातिवाद नहीं है तो, और तुम जातिवादी नहीं हो तो तुमने आदिवासियों के पलायन पर क्यों नहीं बोला, तुमने दलितों के पलायन पर क्यों नहीं बोला, यूपी बिहार से दलित पिछड़े मजदूरी करने इसी देश के दूसरे हिस्से में पलायन किए उनको क्यों नहीं बोला? ये पंडित नहीं होते तो क्या बोलते नहीं, तुम लड़ते नहीं, अब हिंदू हिंदू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना हो रही है कि लोगों को असली मुद्दों से भटका दिया गया और लोग भटके हुए हैं। तो बाबा रामदेव जैसे लोग क्या पूरे देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं? आपने यूपी की बात की सर, रामराज्य वापस आया और जैसे ही सरकार बनी उसके तुरंत बाद फिर से पेपर लीक हो गया इंटरमीडिएट के इंग्लिश का। नहीं पेपर लीक पे आप परेशान मत होइए, पेपर हो रहा है यही क्या कम बड़ी बात है। अभी लेटरल एंट्री में 340 लोग ब्यूरोक्रेट बना दिए गए, आईएएस बन गए हैं जिन्होंने आईएएस का इम्तिहान नहीं दिया। भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की, आईएएस बनाती है, उसकी ज़रूरत नहीं रही। 340 लोग लेटरल एंट्री से आईएएस बन गए, उसमें कोई रिजर्व कैटेगरी का नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र वाले जरा इस बात का जवाब दें, 340 लोग अगर रिजर्वेशन वहाँ लागू नहीं, सिंगल पोस्ट कैडर बना दिया तो 340 के 40 सवर्ण निकल गए, तो मेरिट केवल सवर्णों के पास है। वैसे ही लेटरल एंट्री, अब हम लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, नई शिक्षा नीति में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेटरल एंट्री एजुकेशन में आ गई है। आपको नेट जा रहा पीएचडी की जरूरत नहीं है, अगर आप सो कॉल्ड मेरिटधारी हैं, यानी लेटरल एंट्री जैसे यूपीएससी वाले मेरिट थी अपर कास्ट, ये छुपा थोड़ा ही है, वैसे ही मेरिट रहेगी तो कल को आप प्रोफेसर बनेंगे, तो पेपर की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम धन्यवाद दीजिए, इतनी उनकी आलोचना मत किया करिए, वो पेपर करवा रहे हैं, भले लीक हो जा रहा है, बेचारे क्या करें, अकेले हैं, उनको 80-20 भी करना है, उनको गर्मी भी शांत करनी है, उनको बुलडोजर भी चलवाना है, उनको सारा कुछ करना है, तो पेपर वेपर छोटी चीज़ है, उसके लिए क्या वो करेंगे। सर मुद्दे इतने हैं, वक्त बहुत थोड़ा मिलता है, आप अभी आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को लेकर भी, ग्रेजुएशन के लिए अब एंट्रेंस जो है उसको परमानेंट कर दिया गया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके मार्क्स से काम नहीं चलेगा, अब आपको एंट्रेंस भी देना पड़ेगा। तो इसके पीछे भी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो कैटेगरीज पहले आती थी, जो कट ऑफ्स आती थी, उसको हटाने का एक तरीका है। आरक्षण ही नहीं, आरक्षण तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, आरक्षण वैसे नहीं ख़त्म होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आया है, इसे इस नाम पर लाया गया है कि पहले परसेंटेज 12वीं के जो अंक हैं उसके आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको नौकरी मिलती थी, एडमिशन होता था। तो एडमिशन के लिए अगर आपका मान लीजिए 12वीं नंबर कम है तो आपको मौका नहीं मिलता था। तो कई बार ये लगता है कि ठीक तो है 100% पर जहाँ एडमिशन हो रहा है, 98% पर हो रहा है, CBSE परसेंटेज ज़्यादा देती है, राज्य बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को परसेंटेज कम मिलते हैं, CBSE पैटर्न पर जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज मिल जाते थे, इनको नहीं मिलता था। ये बात देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, जैसे नई शिक्षा नीति में भी कई बात अच्छी है कि क्षेत्रीय भाषाओं को बल मिलेगा और बोर्ड एग्जाम और उन सब पर बहुत जोर नहीं होगा, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सारी चीज़ बुरी नहीं है, मगर इसके पीछे क्या होगा? अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो तो CBSE के पैटर्न पर होगा। मान लीजिए यूपी बोर्ड से कोई पढ़ के आया है तो CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड का सिलेबस तो एक नहीं है, तो फिर वो क्या फेयर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ क्या? दूसरी बात, एंट्रेंस अगर एग्ज़ाम होगा तो एंट्रेंस में 12वीं तक की पढ़ाई कोई मतलब नहीं रखेगी, तो 12वीं तक की पूरी पढ़ाई अब कोई अर्थ नहीं रखेगी, तो उस पर कोई क्यों जोर देगा? अब सारी तैयारी उस एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के लिए होगी, अब इसमें होगा क्या? जैसे आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको लाखों रुपए फीस देकर के आईआईटी की कोचिंग करनी पड़ रही है, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो कोटा से लेकर के लखनऊ और इलाहाबाद दिल्ली तक जा रहे हैं बच्चे, लाखों रुपए फीस दे रहे हैं। यूपीएससी में भी आ जाइए, वन डे एग्ज़ाम में भी आ जाइए, ग्रेजुएशन तक का सिलेबस मिनिमम एलिजिबिलिटी का है, लेकिन ग्रेजुएशन के सिलेबस के बाद लाखों रुपए फीस दीजिए तब आपको उस परीक्षा में एडमिशन मिलता है। अब इसके बाद एक ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, जो कि प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, वो एक सामान्य सा डिग्री कोर्स है, उसके लिए यही होगा कि लाखों लाख रुपए वाली फीस के कोचिंग संस्थान खोलेंगे, जिसकी जेब में पैसा होगा, और जो शहरों तक ये कोचिंग संस्थान झबुआ और आजमगढ़ में नहीं होगा, वो तो दिल्ली और कलकत्ता और जो है लखनऊ पटना इन जगहों पर होगा, तो ये तो पूरे आम जो सामान्य बच्चे हैं उनकी पहुंच से दूर हो गया। तो अल्टीमेटली
मैं ये समझता हूँ कि डिग्री ही शिक्षा का विकल्प नहीं है। हमारे देश में इस समय पूरी एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है कि वो डिग्री बांटने का एक जरिया बना दी गई, न्यू एजुकेशन उसे बेच रही है। फिर भी कम से कम जिनको मौका मिल सकता था, इसका क्या जवाब देंगे ये लोग कॉमन एंट्रेंस वाले? तो फिर से ये एक रिजर्व कैटेगरी के लोग जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है वो नहीं आएंगे। गरीब, कमज़ोर, मजलूम, मेहनत कश के बच्चे वो कभी अब ग्रेजुएशन तक कर नहीं पाएंगे, ये इसकी मुश्किल हो गई है। इसलिए ये भी बहुत, जो भी कुछ सेंट्रलाइज होगा ना, एक देश, एक विधान, एक झंडा, एक चुनाव, एक पार्टी, एक ही नेता, फिर जरूरत क्या चुनाव कराने की? शायद देश उस दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए जो डाइवर्सिटी है, आप उन सवालों को एड्रेस किए बिना सब कुछ को एक रंग में रंग करके असल में इस देश का विनाश कर रहे हैं। जो हाशिए पर पड़ा समाज है, कमजोर समाज है, उसका अहित कर रहे हैं, उसके यहाँ से शिक्षा, रोजगार और उसकी डिग्निटी सब कुछ छीन रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। बहुत शुक्रिया सर।